वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हेमा और आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक Q&A वीडियो, जहाँ पर मैंने लोगों को पूछा था कि मुझसे आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, किचन रिलेटेड, फूड रिलेटेड, मेरे रेसिपीज रिलेटेड या मेरे शूटिंग रिलेटेड या जो भी। तो फिर लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, बट ये जो वीडियो है वो चली जानी चाहिए थी दिसंबर में ही, बट मैं लेट हूँ। हाँ, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ उनसे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि आप खाने में घी इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं ऋतुजा दिवेकर जो है उनको फॉलो करती हूँ, उन्हीं के हिसाब से आपको बताती हूँ। ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरी चीज़ स्किन पे जो ग्लो है वो बना रहता है, तीसरी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शरीर पे जो स्टबन फैट्स होते हैं उसको गलाने के लिए घी बहुत मदद करता है। तो ये काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, बट घी आपको उतना ही इस्तेमाल करना होता है जितना आपके खाने का फ्लेवर वो बढ़ाए, इतना नहीं इस्तेमाल करें कि खाने का जो फ्लेवर है वो दबा दें। एक बंदे को जो है दिन में 1 टेबलस्पून तक का घी खाना ही चाहिए। और मुझे पता है ये सवाल आपका कहाँ से आया है, यह वाला जो लड्डू मैंने चूरमा लड्डू बनाया था वहाँ से आपके दिमाग में आया होगा कि आप मैं इतना घी क्यों इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि लड्डू जो है हम खाने की तरह नहीं खाते, हम या तो ब्रेकफास्ट में या तो लंच में खाएंगे एक लड्डू, राइट। तो उस लड्डू के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि उतना घी रहे ताकि उतना घी और उतना पोषण हमारे शरीर को मिले। इसी जो लड्डू मैंने बनाया था चूरमा वाला, उसका लिंक मैं देती हूँ डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में, आप चेक कर लीजिए। उसमें मैंने पर्पसली घी यूज किया है ताकि घर का कोई भी बंदा जो है वो लड्डू खाए तो उसको काफी सारा पोषण मिल जाए उस एक लड्डू से। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको क्या इंस्पायर किया कि आपने अपना यूट्यूब का फूड चैनल ओपन किया है। तो मैं आपको बता दूं मुझे क्या इंस्पायर किया है, इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मुझे किसने इंस्पायर किया हुआ है मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे इंस्पायर किया मेरे हस्बैंड ने, और उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, नॉलेज दी है यूट्यूब के। आप जो चैनल रन कर रहे हो वो अकेले करना पसंद करोगे या फिर आप फ्यूचर में टीम भी रखना पसंद करोगे? तो मैं आपको बता दूं, ऑब्वियसली मुझे टीम रखनी है अपनी, जो मेरी एडिटिंग का पार्ट कर दे, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर दे, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो काफी छोटू सा है और अभी मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। बट मैं बिलीव करती हूँ टीम वर्क में, अगर हमारा काम टीम में होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और एफिशिएंटली होता है और इफेक्टिवली भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बिलीव करती हूँ, बट अभी मैं उस स्टेटस पे नहीं हूँ कि मैं मतलब उसमें नहीं हूँ कि मैं अभी अफोर्ड कर सकूँ टीम रखना। बट फ्यूचर में अगर अपना चैनल बड़ा हो जाता है तो मैं ज़रूर रखूँगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके जो डिशेज़ हैं उसमें से आपकी कौन सी फेवरेट डिशेज़ है। तो मैं ऐसे पर्टिकुलरली कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी या फूड चूज़ नहीं कर सकूँगी। जितने भी आप रेसिपीज देखते हो वो सारी मेरी फेवरेट्स है। अगर आप ऐसे पूछोगे मुझे खाने में क्या पसंद है, तो मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, जो अभी तक मैंने अपने YouTube चैनल पर नहीं डाली है और मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं डाली है, पर मैं जरूर डालूंगी। तो फिर ये था नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, ये था कि आपको कितना टाइम लगता है शूट करने में, पूरा प्रोसेस में। तो मैं आपको बता दूं काफी टाइम लगता है। तो मुझे जो है, मैं जब वीडियो शूट करती हूँ वो 2 से 5 के बीच में ही करती हूँ, क्योंकि उस टाइम जो है नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है मेरी किचन में, तो उतना टाइम लग जाता है। पूरी फूड की प्रिपरेशन करो, फिर वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद उसकी एंडिंग वाला जो पार्ट है जिससे आप लोग अट्रैक्ट होते हो, वो चीज शूट करने में काफी टाइम लगता है। जितना टाइम रेसिपी बनाने में नहीं लगता, उतना जो है उसकी जो एंड वाला पार्ट होता है, जो एंड रिजल्ट होता है, उसकी फोटोज और उसकी वीडियोज देने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो प्लेटिंग में मतलब, तो ये पूरे प्रोसेस में मुझे 3-4 घंटे लगते हैं। उसके बाद जो हम अलग से एडिटिंग करते हैं वो अलग 2-3 घंटे लग जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से एडिटिंग करोगी तो ऑब्वियसली 3 घंटे लगते हैं विथ ऑडियो। तो उसके बाद फिर अपलोडिंग के लिए आपको 1 घंटा आराम से जाता है, 1 घंटे से ऊपर ही जाता है। तो ऐसे मिला जुला के लग ही जाता है इतना टाइम कि 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा। क्योंकि मैं अभी इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे इतना टाइम लगता है जब मेरा हाथ बैठ जाएगा इस चीज पे, तो हो सकता है मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लूँ। बट शूटिंग के पार्ट को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगता ही है। हेलो, मुझे किसी ने पूछा था कि जो आपकी शूटिंग वाली पार्ट है वो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ आप कैमरा जूम करते हो आप, जब आप कड़ची चलाते हो तब। तो मुझे आपको बताना है, वो जब शूटिंग करते हो उस समय वो नहीं होता, वो सारी चीज़ें एडिटिंग में होती है। अगर आपके पास एक अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है कि आप थंबनेल्स कैसे बनाते हो। तो थंबनेल्स जो है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ थंबनेल के लिए। जैसे स्नैपसीड एक ऐप होता है ऑलरेडी मोबाइल
फाइल्स में आजकल, उसमें मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करती हूँ। और अगर आप देखोगे कि मेरे जो थर्सडे स्पेशल वीडियोस है उसके जो थंबनेल्स होते हैं वो मैं बनाती हूँ फोटोशॉप में, काफी ज्यादा टाइम लगता है उसमें क्योंकि मैंने भी फोटोशॉप अभी अभी सीखा है। तो इस तरीके से एक दो ऐप और यूज करती हूँ जिससे थंबनेल अट्रैक्टिव मुझे लगता है, फिर उस हिसाब से मैं मतलब ये सारी चीजें मिला जुला कर मैं यही थंबनेल के लिए ये सारी चीज यूज करती हूँ, जैसे स्नैपसीड और फोटोशॉप। क्वेश्चन पूछा था कि आपने कहाँ से सीखा। ऑब्वियसली मेरी मदर इन लॉ से मैंने ज्यादातर सीखा है, और उसके बाद जब मैं यूट्यूब में आई हूँ तो मैंने बहुत सारी जगह से और सीखा है, जैसे यूट्यूब से ऑब्वियसली, और उसके बाद कहीं मुझे कोई चीज अच्छी लग जाती तो उनके पास मतलब किसी के घर गए तो उनसे मैं पूछ लेती हूँ, तो ऐसे करते करते जो है मैं सीख जाती हूँ। एक क्वेश्चन था कि मुझे पूछना था कि तुम ग्रॉसरीज कैसे स्टोर करते हो, कैसे रखते हो, जैसे बारिश के सीजन में स्टोरेज कैसे करते हो, कोई सजेशन टिप्स। ऑब्वियसली ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पहली बात तो ज्यादा चीजें स्टोर करके रखती ही नहीं हूँ ताकि उसमें कीड़े वीड़े पड़े, क्योंकि मुझसे वो मैनेज नहीं होता, और तो इसीलिए मैं थोड़ा ही स्टोर करती हूँ इन द फर्स्ट प्लेस। और दूसरी चीज ये है, मैं अगर ऐसा ज्यादा कुछ स्टोरेज हो गया है तो मैं ये वाली चीज इस्तेमाल करती हूँ, मर्क्यूरी टैबलेट्स आती है मार्केट में इस तरीके की, जो आप अपने ग्रोसरीज में डाल सकते हैं, अगर कोई भी चीज आपने ज्यादा स्टोर करी है तो ये चीज आप उसमें डाल सकते हो, तो इससे जो है कीड़े वीड़े पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्वेश्चन मुझे पूछा है, हाँ सपोर्ट, घर के लोग कितना हेल्प करते हैं आपके इस काम में। घर के लोग तो इनसे मैंने पूछा था कि मतलब इन कौन से सेंस में, तो उन्होंने पूछा चॉपिंग वॉपिंग के सेंस में, तो जो वीडियो के पीछे वाला प्रोसेस होता है जैसे चॉपिंग एंड ऑल, तो मैं बता दूँ ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ और मैं खुद करना भी पसंद करती हूँ, इसमें मुझे किसी की हेल्प की फ्यूचर में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जैसी चॉपिंग चाहिए मैं वैसे खुद ही कर सकती हूँ, और मैं सामने वाले का काम शायद मुझे उतना पसंद ना आए इसलिए ये सारी चीज़ मैं खुद ही करती हूँ। और कभी आपको अपना बनाया हुआ एकदम खराब लगता है। ऑब्वियसली मुझे तो कभी अपना बनाया खाना ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं है, मैं या तो मैं पक जाती हूँ बना बना के वही चीज़ खा के अपने हाथों की, पर मुझे अपने से ज़्यादा किसी और के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नॉर्मल खाना भी खाती हैं जैसे दाल चावल, ऑब्वियसली खाती हूँ या फिर वीक में कोई नई रेसिपी बनाने में ही निकल जाता है, और नहीं ऐसा नहीं है, हम दाल चावल भी खाते हैं, इनफैक्ट हमारे घर पे सुबह जो है पूरा खाना होता है, और शाम को जो है हम खिचड़ी या फिर ऐसे मतलब हल्की चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो ज़्यादा हैवी ना हो, तो दाल चावल हमेशा हमारे घर में बनता है। बेसिक कुकिंग स्किल्स, मेरे हिसाब से मैंने जो बेसिक कुकिंग स्किल सीखी हुई है मैं आपको उसके हिसाब से बता पाऊंगी, क्योंकि मैं शेफ भी नहीं हूँ। तो फिर सबसे पहले जो मैंने सीखा होगा, तो मेरी मम्मी ने मुझसे दाल चावल चढ़ाना, आटा गूंदना, और उसके बाद बेसिक सी सब्जियाँ बनाना, फिर ये सारी मेरे हिसाब से कुकिंग स्किल्स होंगी बेसिक। बट आपको आटा सानना आना चाहिए, आप बैचलर हो कुछ भी हो आना ही चाहिए, ताकि आप कहीं भी जाओ दुनिया के कोई भी कॉर्नर में जाओ तो आपको कम से कम रोटी दाल चावल बनाना आना चाहिए कम से कम, क्योंकि इससे पेट भी भरता है और ये हेल्दी भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है कि आपका बनाया हुआ जो खाना है आपके घर में सबको पसंद आता है, तो ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि कुछ कभी चीज़ें बिगड़ भी जाती है और कभी ज़्यादा अच्छी बन जाती है, तो अप्रिशिएट ऑब्वियसली करते हैं, बट स्टिल इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लगाएंगे घर वालों को फ़ोन और उनसे पूछेंगे कि उनको मेरा बनाया हुआ खाना हमेशा पसंद आता है या फिर कभी नहीं भी आता है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ फ़ोन मम्मी को, तो आप बताओ। मुझे तो पसंद आता है अभी तो सब अच्छा बनता है, अभी अच्छा बनता है। चलो पापा से पूछते हैं। हमारे को ये कहना है कि हमारी बहू का बनाया हुआ खाना सबसे बढ़िया रहता है इंडिया के अंदर। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड हो गई है आपकी बातें। एक मिनट, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फोन रख दिया है और कैमरा बंद हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, पापा तो आज पता नहीं फोन पे इतना अच्छे से बता रहे थे जबकि मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर उन्होंने गेस कर लिया होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था। तो पसंद भी आती है नहीं भी पसंद आती है, इसका ये कंक्लूजन है। और तो ये रही, तो इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें और हमें अच्छे अचीवमेंट्स करते रहें। बाय।
Oh!